राम जन्मभूमि विवाद की जल्द सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका नामंजूर। स्वामी ने कहा कि जल्द ही दूसरा रास्ता अपनाऊंगा, सुनवाई के लिए अगली तारीख तय नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि अगर दोनों पक्ष चाहें तो कोर्ट मध्यस्थता को तैयार है, लेकिन आज इस पर भी कोर्ट ने कोई बात नहीं की। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील अनूप चौधरी के मुताबिक कोर्ट ने स्वामी को पक्षकार मानने से इनकार किया। गुजरात विधानसभा में गोरक्षा के लिए कड़ा कानून पारित। गोवंश की हत्या के दोषी को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा के साथ 1 से 5 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक गाय के ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में चार्जशीट दाखिल। सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में दायर की चार्जशीट। हाईवे पर कल से शराब की बिक्री बंद करने के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने मामूली बदलाव किए। जिन इलाकों में आबादी 20,000 से कम है, वहां हाईवे से 500 मीटर की बजाय 220 मीटर की सीमा में शराब की बिक्री नहीं होगी। ये नियम शराब की दुकानों के अलावा रेस्टोरेंट और बार पर भी लागू होंगे। इनकम टैक्स के लिए सरकार ने जारी किया नया फॉर्म। नोटबंदी के दौरान 2 लाख से ज्यादा पैसे जमा करने की जानकारी देने के लिए फॉर्म में खास कॉलम बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने NEET यानी कि राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 25 साल से ऊपर के उम्मीदवारों को भी शामिल होने की इजाजत दी। फॉर्म भरने की तारीख 5 अप्रैल तक बढ़ी, 7 मई को है परीक्षा। महाराष्ट्र में किसानों की मुश्किल बढ़ी। पिछले साल नष्ट हुई फसल के बदले मिलने वाली बीमा राशि की 50% रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में होगा। फडणवीस सरकार ने दिए आदेश। कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार के आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपना पहला जनता दरबार लगाया। आधे घंटे तक लोगों से की मुलाकात। जनता दरबार में मुस्लिम औरतें भी अपनी समस्या लेकर पहुंची। हर हफ्ते 2 दिन जनता दरबार लगाने की बन रही है योजना। सीएम योगी का मंत्रियों को सख्त निर्देश। निजी स्टाफ में ईमानदार और बेदाग छवि के लोगों को ही रखने को कहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखी मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव की गौशाला। गायों को अपने हाथ से चारा खिलाया। अपर्णा यादव ने बीजेपी में शामिल होने की संभावना को खारिज नहीं किया। कहा वक्त ही देगा इस सवाल का जवाब। अपर्णा के पति प्रतीक यादव भी वहां मौजूद थे। यूपी के कृषि मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और खाद्य मंत्री अतुल गर्ग छत्तीसगढ़ के पीडीएस मॉडल को जानने रायपुर पहुंचे। सीएम योगी कह चुके हैं कि वो छत्तीसगढ़ के पीडीएस मॉडल को अपनाएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पीडीएस के तहत राशन देने के लिए कंप्यूटरकृत ऑनलाइन व्यवस्था है। शिया धर्मगुरु मौलाना कलवे जवाद ने यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान पर वक्फ बोर्ड में 400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। मौजूदा सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है। यूपी की योगी सरकार ने आज सूबे की महिलाओं के लिए जागृति ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सुझाव और अनुभव साझा किए जाएंगे। यूपी की महिला कल्याण मंत्री रीता भगुना जोशी ने इस ऐप को लॉन्च किया। योगी के सीएम बनने के साथ ही गेरुआ कुर्ते का क्रेज बढ़ा। वाराणसी से लेकर मथुरा की मार्केट में हाफ बाजू वाले योगी कुर्ते की मांग। मिशन 2019 के लिए पीएम मोदी का सांसदों को मंत्र। 5 राज्यों के बीजेपी सांसदों से मिले मोदी का। मोबाइल के जरिए लड़ा जाएगा 2019 का लोकसभा चुनाव। सांसदों से सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने को कहा। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने राज्यसभा में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर कसा तंज। दिग्विजय को धन्यवाद देते हुए कहा कि वहां देर से पहुंचकर मुझे गोवा का सीएम बनाने के लिए धन्यवाद। कांग्रेस ने बीजेपी पर गोवा में गलत ढंग से सरकार बनाने का आरोप लगाया था। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर में युवाओं को पत्थरबाजी करने के लिए उकसाता है। अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कर्णन को और 4 हफ्ते की मोहलत दी। पूछा माफी मांगेंगे या फिर आरोपों पर कायम रहेंगे। कर्णन ने जजों पर लगाए हैं भ्रष्टाचार के आरोप। 1984 सिख दंगा मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट पाने वाले कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इंकार किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर खोला है सिख दंगा केस। पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की महिला विधायक नूतन सिंह से छेड़खानी के आरोप में बीजेपी के एमएलसी लाल बाबू प्रसाद बीजेपी से निलंबित। प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पार्टी ने बीजेपी एमएलसी लाल बाबू पर आरोप लगते ही उन्हें पार्टी से निकाल दिया। लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार सजायाफ्ता शहाबुद्दीन के खिलाफ क्या कर रहे हैं। एयर इंडिया कर्मचारी को पीटने वाले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की सारी कोशिशें नाकाम। 7 दिन में 7 बार बुकिंग की कोशिश काम नहीं आई। सड़क के रास्ते कार से दिल्ली आए थे रविंद्र गायकवाड़। यूपी में अवैध भूषण खाने बंद होने की वजह से लखनऊ में सब्जियों और फलों के दाम बढ़े। नॉनवेज खाने वालों को अब मजबूरन वेज खाना ज्यादा खाना पड़ रहा है।
यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दो मॉल्स में नॉनवेज की दुकानें जबरन बंद कराने का आरोप। इस दौरान मॉल में हुए हंगामे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 18 दिनों से प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों से मिलने पहुंचे जेडीयू सांसद अली अनवर और डीएमके नेता कनिमोझी। ये किसान केंद्र सरकार से सूखा राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन से 30 लाख रुपए से ज्यादा की नकली नोटों के साथ दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गैंग का मुखिया सरगना नेहाल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यूपी के बाराबंकी में पेड़ से लटका मिला महिला का शव। महिला के परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। महिला का अपने पति से तलाक हो चुका था और उसका पति 30 मार्च को दूसरी शादी करने वाला था। फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना को खुदकुशी मानकर जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथी ने गांव वालों पर किया अटैक। हाथी के हमले में दो लोगों की मौत। पाकिस्तान के पाराचिनार के इमामबाड़े के बाहर कार बम धमाके में 22 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग जख्मी। पाकिस्तान तालिबान ने ली धमाके की जिम्मेदारी। पिछले महीने पाकिस्तान की शाहबाज कलंदर दरगाह में हुए धमाके में 125 लोग मारे गए थे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।